नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है IIT HSEE 2022 नोटिफिकेशन। IIT SEE इज कंडक्टेड बाय IIT मद्रास। IIT SEE की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम, एंड एग्जाम इज कंडक्टेड बाय IIT मद्रास। ये एग्जाम जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA प्रोग्राम के लिए इनरोल करना चाहते हैं। इसमें दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड MA इन डेवलपमेंट स्टडीज एंड अनदर प्रोग्राम इज MA इन इंग्लिश स्टडीज। सो टोटल जो है वो 52 सीट्स होती हैं, 23 सीट्स ईच, दोनों प्रोग्राम में 23 सीट्स होती हैं। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ HSEE एग्जाम। एग्जाम नेम है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय IIT मद्रास। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, हर साल एक बार होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है इसका। अंडर ग्रेजुएट है ये एक तरीके से, बिकॉज अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स लेते हैं, तो इंटीग्रेटेड 5 साल का प्रोग्राम होता है। एग्जाम फीस जो है वो 2400 है। मीडियम ऑफ एग्जाम है इंग्लिश। एप्लीकेशन ऑनलाइन आप दे सकते हैं। काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होती है। दो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड सीट ऑफर्ड आर 58। HSEE 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर ये है कि एज लिमिट आपकी, यू शुड बी बॉर्न आफ्टर October 1, 1995, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 12 अपेयरिंग या पास आउट होने चाहिए फ्रॉम एनी बोर्ड। स्टूडेंट जो हैं वो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये भी हो सकता है। तो ये मेन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइदर इज पासिंग और पास आउट फ्रॉम क्लास 12। HSEE 2022 इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसके लिए, नोटिफिकेशन 7 मार्च को स्टार्ट हुई थी, रिलीज ऑफ फॉर्म 9 मार्च 2022, लास्ट डेट 27 अप्रैल 2022, एडमिट कार्ड रिलीज होंगे 30th May to 12th June। 12 जून को HSEE का एग्जाम है। रिलीज ऑफ प्रोविजनल आंसर की 23rd June 2022, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट HSEE 29 June 2022, और सीट फाइनली एलोकेटेड हो जाएगी कैंडिडेट्स को 7 जुलाई 2022 को। सो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, पटना एक्सेट्रा। HSEE 2022 एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न ऐसे है कि लैंग्वेज जो एग्जामिनेशन की वो है इंग्लिश। ड्यूरेशन जो है वो है 3 आवर्स। दो पार्ट में डिवाइडेड है ये एग्जाम। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको मिलेगा 150 मिनट्स, मीन्स 2 आवर एंड 30 मिनट, एंड सेकेंड पार्ट जो है एसे राइटिंग, उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर जो 2.5 घंटे का एग्जाम है उसके अंदर आएगा इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एनालिटिक एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड अफेयर, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड पार्ट 2 के अंदर है एसे राइटिंग और जनरल टॉपिक्स, डिस्क्रिप्शन, करंट अफेयर्स, रिफ्लेक्शन, जो भी आपके जनरल टॉपिक्स हैं जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं, जनरल सिनेरियोस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इनके ऊपर आपका एसे राइटिंग होता है। देखिए, इसमें जो पार्ट 1 है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, एंड पार्ट 2 है वो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। जो ऐसे आपको लिखना होगा, यू हैव टू रिटर्न इन राइटिंग। इसके अंदर आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, और हर नेगेटिव मार्क्स के लिए कोई आंसर नहीं कटेगा। सो नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। HSEE 2022 सिलेबस। सिलेबस क्या होगा इसके अंदर, पार्ट 1 का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 1 के अंदर आता है इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इसके अंदर रीडिंग स्किल्स, ग्रामर एंड वोकैब। वोकैब के अंदर आपका सिनोनिम एंटोनिम्स, आइडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपके जो है वो वोकैब में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। ग्रामर में आपके वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एक्सेट्रा, टेंसेस, पैसिव एक्टिव, ये सभी ग्रामर के पार्ट्स हैं। देन एनालिटिक एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो आपका मैथ्स है, उसके अंदर आपका नंबर सिस्टम, SCF एंड LCM, कैलेंडर, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग, पैटर्न्स, सीरीज, एज, ये सभी जो है वो आपके एनालिटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है। देन जनरल स्टडीज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड अफेयर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड इंडियन ज्योग्राफी, तो ये सभी जो है वो आपके जनरल स्टडीज में मेन है। सो ये तो हमने आपको सिलेबस बता दिया, अब हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। देखिए, IIT HSEE के लिए
प्रिपेयर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर थोरली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, एक तो करंट अफेयर का, जीके का, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप पैसेज बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे, आपकी वोकैब इंक्रीज होगी, बिकॉज आप न्यूज़पेपर से बेटर न्यू वर्ड्स डेली नहीं सीख सकते, सो आपकी वोकैब इंक्रीज होगी, तो ये सब चीजें आपको सहायता मिलेंगी। अब है कि आपको अपने जो सिलेबस है एंड वेटेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्हें देखना पड़ेगा, जैसे आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी जो एग्जाम में नहीं आ रही, जैसे इंडियन पॉलिटी नहीं आती इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता वो मत पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती वो मत पढ़िए, साइंस नहीं आती इसके अंदर जनरल साइंस तो वो मत पढ़िए, मेन टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में बताए गए हैं उन्हें सेग्रीगेट कीजिए, डेली उनका रिविजन कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, डेली टाइम निकालिए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, हर सेक्शन को टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि आप एक सेक्शन स्ट्रांग कर ले, हो सकता है उस दिन पेपर में वो सेक्शन बहुत टफ आ जाए तो आप तो पेपर आपका खराब चल जाएगा, तो हर सेक्शन को टाइम दीजिए जिससे आप इवनली गुड स्कोर कर सके, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और अपने रिविजन नोट्स बनाइए लास्ट टाइम तक जो आप रिवाइज कर सके, और एसे के लिए आप डेली जो है 30 मिनट एसे लिखिए, जो करंट सिनेरियो जैसे कोविड है, यूक्रेन रशिया वॉर है, पाकिस्तान के अंदर जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इन चीजों के ऊपर आप ऐसे लिखिए जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगी, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप IIT SEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजी लर्निंग इंडिया की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज का दाम सिर्फ मात्र 499 रुपए है, या फिर आप हमारी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सॉल्व पेपर टेस्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लियर डेली क्लासेस सब चीजें आपको कराई जाएंगी, वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो बुक्स दी जाएंगी, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे 1-to-1, आपको करियर गाइडेंस दी जाएगी आपको कैसे पढ़ना है, आपको आगे कैसे अपना करियर परस्यू करना है जब आप IIT में चले जाएं उसके बाद और आप प्रगति करें, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो भी क्लास 11, 12 जस्ट पासिंग आउट क्लास 12 है, कि उन्हें सहायता मिले कि उनको इन पेपर के लिए तैयारी करनी है। आर्ट्स की अंदर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आर्ट्स के अंदर कि आप सीधा IIT में जा सके क्लास 12 के बाद। प्लीज कमेंट डाउन मिलो कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, किस कॉलेज, कौन सा कोर्स, कौन सा एंट्रेंस, कौन सा करियर चूज करना है, इन सभी के ऊपर कमेंट डाउन मिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन बिकॉज हम डेली 102 वीडियो डाल रहे हैं और सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको क्लास 12th, क्लास 11th एंड जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली क्लास 11th, 12th एंड जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12th, जितने भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहीं पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.